आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप घर में अकेले हो और आपको हार्ट अटैक आ जाए तो आप क्या उपाय कर सकते हैं। मान लीजिए आप घर में अकेले हैं और आपको सीने में बहुत तेज दर्द होता है जो कि आपके हाथों से होते हुए आपकी गर्दन तक पहुंच जाता है, तो क्या ये एक आम बात है? जी नहीं, इसको एक आम घटना मानने की गलती एकदम मत करिए, क्योंकि ये हार्ट अटैक के लक्षण है। हार्ट अटैक में आपको सीने में कभी कभी बहुत जोरों से दर्द होता है या फिर कभी कभी सीने में हल्के दर्द के साथ सीने में भारीपन होता है, जैसे कि आपकी सांस की नली दबा दी गई हो। फिर ये दर्द लेफ्ट हैंड से होके आपके गर्दन और जबड़े तक पहुंच जाता है। कभी कभी तो ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि आपकी पीठ और पेट भी दर्द होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपके साथ कोई नहीं है जो आपको साथ लेकर हॉस्पिटल जा सके, तो आपको अपनी हेल्प स्वयं करनी होती है, क्योंकि आपको तो पता होगा हार्ट अटैक के केसेस में अटैक के एक घंटे के अंदर अंदर रोगी की जान भी जा सकती है। इसलिए हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जिनसे आप हार्ट अटैक को मात दे सकते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपके सीने में बहुत तेज से दर्द होने लगता है, तो आप अपना सारा काम काज छोड़कर एक साइड में बैठ जाएं और तेज तेज से सांस लेने लगें। या फिर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो गाड़ी को साइड में लगा के कहीं रुक जाएं और अपनी सांसों को तेज तेज से लेने लगें। फिर आप तुरंत किसी को मदद के लिए बुला सकते हैं। ऐसी हालत में मेडिकल केयर लेना ही एकमात्र तरीका है। अगर आपका हृदय स्वस्थ है तो आपको हार्ट अटैक की शिकायत ना के बराबर होगी, तो जरूरी है कि आप इन सारी बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से आप एक्सरसाइज करें और अगर आप रोजाना वॉक करते हैं तो हार्ट अटैक की संभावनाएं लगभग समाप्त हो जाती है। रोजाना 8 घंटे की नींद ये सुनिश्चित करता है कि आपका हृदय निरोग रहे, और साथ ही साथ डायबिटीज के रोगियों को तो और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। सप्ताह में एक बार मछली का सेवन अवश्य करें। ये ना केवल आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके दिल की बीमारियों को भी दूर करता है। रोजाना 1 कप चाय जरूर पिए। कॉफी के मुकाबले चाय आपके दिल तक ज्यादा ब्लड पहुंचाने में काफी मदद करता है। अगर आपके जीवन में तनाव है तो आपको तनाव मुक्त होने के उपाय ढूंढने ही पड़ेंगे, क्योंकि तनाव दिल के लिए बहुत ही घातक है। समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच भी करवाते रहें, क्योंकि हार्ट अटैक की संभावना हाई ब्लड प्रेशर पे ज्यादा बढ़ जाती है। पेशाब और शौच को दबा कर ना रखें, इससे संक्रमण तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ दिल पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। सही आहार लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि संतुलित आहार आपके शरीर में स्फूर्ति लाता है और आप ज्यादा एक्टिव फील करते हैं। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने में चिकनाई युक्त खाने यानी ऑयली फूड ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, तो कोशिश ये करें कि चिकनाई युक्त खाने से दूर रहें और मोटापे को हमेशा के लिए अलविदा कहें, क्योंकि मोटापा नहीं होगा तो दिल पर प्रेशर भी कम होगा। इससे आप हार्ट अटैक की एक वजह को तो यूं ही कम कर देंगे। और हाँ, अगर आपको धूम्रपान यानी स्मोकिंग की आदत है तो उसे अभी के अभी छोड़ दें, क्योंकि स्मोकिंग से हार्ट अटैक के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। स्वस्थ और निरोग हृदय आपको हृदयघात यानी हार्ट अटैक से तो बचाता ही है, साथ ही साथ और भी कई अन्य बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर आप हाइड्रोसिल का घर पे ही उपचार कर सकते हैं। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हाइड्रोसिल है क्या, तो मैं आपको बता दूं, हाइड्रोसिल एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी के अंडकोशों में पानी भर जाता है और सूजन आ जाती है। लेकिन जब भी ये किसी रोगी को होता है तो उसके एक तरफ के ही अंडकोश में पानी भरता है। इस रोग का उपचार प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हाइड्रोसिल के क्या लक्षण हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार इस रोग में रोगी के अंडकोशों में काफी दर्द होता है और अंडकोश के एक भाग में काफी सूजन आ जाती है, और कभी कभी सूजन इतनी बढ़ जाती है कि रोगी को चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है। अगर रोगी के अंडकोशों में सूजन के साथ साथ दर्द भी है तो ये समझ लेना चाहिए कि वो हाइड्रोसिल से ग्रसित है। ऐसे में रोगी को उल्टी और नोजिया भी होने लगता है, साथ ही साथ कब्ज भी रहता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि हाइड्रोसिल की जांच कैसे कर सकते हैं। अक्सर आसपास के तरल पदार्थों के कारण अंडकोश को महसूस नहीं किया जा सकता है, पर हाइड्रोसिल में तरल पदार्थ का आकार पेट या अंडकोश की थैली की दबाव के कारण कम या ज्यादा होता रहता है। इस वजह से हाइड्रोसिल को काफी आसानी से पहचाना जा सकता है।
वैसे आप अल्ट्रासाउंड टेक्निक का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड टेक्निक में अंडकोशों में भरा लिक्विड साफ नजर आएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अंडकोशों में पानी भर जाने का कारण क्या है, तो अब मैं आपको बताती हूँ हाइड्रोसील का कारण। नेचुरोपैथी के अनुसार यह रोग किसी व्यक्ति को यौन अंगों में दूषित मल इकट्ठा हो जाने के कारण होता है। गलत तरीके से खान पान की आदतें या समय पर खाना ना खाने की आदत से भी ये हो सकता है। अंडकोशों में यदि चोट लग जाए या नसों में सूजन आ जाए तो भी हाइड्रोसील हो सकता है। स्वास्थ्य समस्याएं या किसी रोग के रोकथाम के लिए आपने दवाएं ली हों, या फिर अपने सेक्स डिजायर को एकदम से रोका हो, इससे भी हाइड्रोसील हो सकता है। मल मूत्र के वेग को रोकने से भी ये रोग हो सकता है। बिना अंडरवियर या ब्रीफ के जिम करने से, अधिक वजन उठाने से, अत्यधिक पैदल चलने से या ज्यादा यौन क्रिया करने से भी अंडकोशों में पानी भर जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे प्राकृतिक तरीकों से आप इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। प्राकृतिक तरीकों से इसका उपचार करने के लिए रोगी को 2 हफ्तों तक लगातार अनार या ऑरेंज का जूस पिलाना चाहिए। इस रोग को दूर भगाने के लिए पीले रंग की बोतल में 25 ml पानी गुनगुना दिन में 4 बार पीना चाहिए। लेकिन इसके पीने से पहले रोगी को 1 घंटा लाल रंग का प्रकाश और उसके बाद 2 घंटा नीले रंग का प्रकाश अंडकोश पर डालना चाहिए। इससे बस कुछ ही दिनों में ये रोग दूर हो जाएगा। रोगी को हर दिन कटे स्नान, महन स्नान, घर्षण स्नान, गर्म स्नान और नानक स्नान करना चाहिए। इससे रोग जल्दी ठीक हो जाता है। इस रोग से पीड़ित रोगी को खुले में एक्सरसाइज करना चाहिए और सूर्य स्नान भी करना चाहिए। 5 ग्राम काली मिर्च के चूर्ण को और 10 ग्राम जीरे के चूर्ण को मिलाकर पेस्ट बना लें। इसमें गर्म पानी मिलाकर इसका घोल बना लें और रात को सोने से पहले बढ़े हुए अंडकोश पे लगाएं। 3-4 दिन तक ऐसा लगातार करने से आपको काफी फर्क दिखेगा। अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जब तक कि आपका ये रोग ठीक ना हो जाए। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान से तरीके जिनको अपनाकर आप इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी इमली से होने वाले फायदों के बारे में। दोस्तों, इमली तो हम सभी लोगों ने खाई होगी। किसी भी तरह के चाट बिना इमली के अधूरे होते हैं। इवन दक्षिण भारत में तो दालें भी बिना इमली के नहीं बनती। पर हम में से ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें इमली के औषधीय गुणों के बारे में भी पता होगा। कच्ची इमली हरी और पकने के बाद लाल या कत्थई कलर की हो जाती है। पक्की इमली एसिडिटी कम करने वाली, कब्ज दूर करने वाली, गर्म तासीर वाली, कफ तथा वायुनाशक प्रकृति की होती है। सूखी इमली हृदय के लिए हितकारी और हल्की तासीर वाली होती है। इससे आपकी थकान और ब्रह्मग्लानी दूर होती है। इमली पित्तनाशक होती है और ये ठंडी होती है, इसलिए इसको कम मात्रा में ही सेवन करने से लाभ होता है। अगर इमली 1 साल पुरानी है तो इसके गुण ज्यादा होते हैं, और अगर इमली कच्ची या नई है तो इसके गुण कम होते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ खट्टी और चटाकेदार इमली के औषधीय गुण। वीर्य पुष्टिकर योग। इमली के बीज को दूध में उबाल लें और फिर उसका छिलका निकालकर उसे पीस लें। फिर उसको पिसी हुई गिरी के साथ घी में भून लें। फिर उसको समान मात्रा में मिश्री के साथ मिलाकर रख लें। इसको सुबह शाम 5-5 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ सेवन करने से वीर्य पुष्ट होता है। शराब या भांग का नशा उतारने के लिए पकी हुई इमली को भिगोकर उसको मसल कर छान लें, उसमें गुड़ मिला लें और गुड़ मिलाकर उसे पिला दें। लू लगने पर पकी हुई इमली के गूदे को हाथों और पैरों के तलवों पर लगाएं। इससे लू का प्रभाव काफी हद तक समाप्त हो जाता है। यदि इस गूदे का गाढ़ा घोल बनाकर सर पर लगाएंगे तो लू के कारण आई बेहोशी खत्म हो जाएगी। सीने की जलन को दूर करने के लिए पकी हुई इमली के घोल में मिश्री मिलाकर पिलाना चाहिए। गले में सूजन होने की स्थिति में 1 लीटर पानी में 10 ग्राम इमली मिलाकर इसे आधे होने तक बॉयल करें। फिर इस बॉयल पानी में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर उस रोगी को गरारे करने के लिए दें। इस गरारे से गले की सूजन में काफी हद तक राहत मिलती है। यदि आप टीबी या क्षय रोग की खांसी से पीड़ित हैं, तो ऐसी स्थिति में इमली के बीजों को तवे पर भून लें और फिर छिलका उतारकर इसे पीस लें। इस पिसे हुए 3 ग्राम चूर्ण में शहद या घी मिला लें।
इसको दिन में 3 या 4 बार रोगी को दें, इससे काफी हद तक खांसी में आराम मिलता है और साथ ही साथ कफ निकलने में भी आसानी होती है। चर्म रोग में लगभग 30 ग्राम इमली 1 गिलास पानी में मत लें और इसका सेवन करें। इसके सेवन से घाव फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं। उल्टी आने पर अगर आप पकी हुई इमली का पानी पिलाएं तो उल्टियां आना बंद हो जाती है। खूनी बवासीर में इमली के पत्तों का रस निकाल कर पिलाने से खूनी बवासीर ठीक होता है। शीघ्र पतन में लगभग 500 ग्राम इमली को 4 दिनों तक भिगो कर रख दें। इसके बाद इसके बीज को निकाल कर छांव में सुखा लें और पीस लें। इस पिसे हुए चूर्ण में मिश्री का चूर्ण लगभग 500 ग्राम मिला लें। इसके बाद इसका रोजाना 1-1 चम्मच 50 दिनों तक लगातार दिन में 2 बार सेवन करने से इस रोग में काफी हद तक आराम मिलेगा। जॉन्डिस या पीलिया होने की स्थिति में इमली के फूल और पत्तों को उबाल लें और इस उबले हुए पानी को दिन में 3 या 4 बार ठंडा करके पिएं। इससे पीलिया में काफी हद तक राहत होती है। अगर किसी को दस्त हो गया है तो ऐसी स्थिति में इमली के बीज को भूनकर पीस लें और फिर इस चूर्ण का 2 से 3 ग्राम दिन में 2 से 3 बार गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। ऐसे में दस्त के रोगी को काफी हद तक आराम मिलेगा। पान, गुटखा या तंबाकू खाने वाले लोगों के दांत अक्सर काले हो जाया करते हैं या फिर ज्यादा आयरन युक्त पानी पीने से दांत पीले हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में इमली के बीज को पीस कर उसे दांतों पर सुबह शाम रगड़ें। ऐसा करने से दांत सफेद व चमकदार होते हैं। ऐसे ही इमली के अनेकानेक उपयोग और फायदे हैं, लेकिन एक बात का सदैव ध्यान रखें कि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज नुकसानदायक हो सकती है। कच्ची इमली का उपयोग कम किया जाए क्योंकि इसकी तासीर काफी गर्म होती है और ये काफी भारी होती है। इसका अगर अधिक सेवन कर लिया जाए तो खांसी, बुखार और सांस की समस्या जैसे दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। आज हम बात करेंगे ल्यूकोरिया यानी प्रदर रोग के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बीमारी के बारे में भी नहीं सुना होगा, या हो सकता है आप इसके लक्षण जानते हो लेकिन ये नहीं जानते हो कि ये लक्षण किस बीमारी के हैं और इसका इलाज कैसे किया जाए। इसलिए आज हमने ये विषय चुना है जिससे हमारी बहनों को इस बीमारी के बारे में जागरूक किया जा सके। अगर किसी महिला को सफेद या पीला शाव लगातार होता है और बाथरूम जाने में परेशानी होती है या बदबूदार पानी निकलता है, खुजली या दर्द होता हो, बहुत कमजोरी लगती हो और साथ ही साथ संबंध बनाते वक्त भी दर्द होता हो और किसी को भी बताने में शर्म आती हो तो फिर आपको प्रदर रोग हो सकता है जो कि ट्राइकोमोनस के संक्रमण से होता है। महिलाओं में प्रजनन अंग, गर्भाशय और गर्भ नली का सीधा कनेक्शन योनि से होता है। बाहर से खुला होने के कारण इसमें किसी भी तरह का संक्रमण होना आसान हो जाता है। महिलाओं में इस तरह के संक्रमण संसर्ग से, प्रसव के दौरान, मासिक धर्म या गर्भपात के समय या बाद में किसी भी कारण से हो सकता है। कई बार महिलाएं अशिक्षा, गरीबी और शर्म के कारण प्रजनन अंगों के रोगों का उपचार कराने में शर्म महसूस करती हैं। इससे रोग बढ़ता जाता है और जिसकी वजह से खून की कमी, मंद ज्वार, हाथ पैरों में दर्द होना, चिड़चिड़ापन और किसी भी काम में मन ना लगना जैसी परिस्थितियाँ सामने आती हैं और कई बार रोग के बढ़ जाने पर आगे चल के गर्भपात की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है और साथ ही साथ कई बड़ी बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कुछ घरेलू ऐसे उपायों के बारे में जिनसे आप इस रोग से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। एक ज्यादा पके हुए केले को 1 चम्मच घी के साथ डेली 1 महीने तक खाएं। आप देखेंगे 15 दिन में ही आपको फर्क महसूस होगा। आंवले के बीज को पीसकर इसका चूर्ण बना लें और इस चूर्ण को शहद 1 चम्मच शहद और सौंफ के साथ सुबह सुबह खाएं। आपको काफी फर्क दिखेगा। गिलोय और सतावर की चूर्ण को मिलाकर इसका काढ़ा बना लें और सुबह शाम 1/2 कप के सेवन से आपको काफी हद तक आराम मिलेगा। 250 ml दूध में उतना ही पानी मिलाकर उबालें और 1 चम्मच सूखा अदरक मिला लें। जब ये आधा रह जाए तो इसमें 1 चम्मच हनी मिलाकर आप इसको रोजाना पिए। आपको काफी हद तक आराम मिलेगा और साथ ही साथ ये काफी गुणकारी है। भोजन में दही और लहसुन का प्रचुर मात्रा में उपयोग करें। 10 ग्राम मेथी के दानों को पानी में उबालें। जब ये पानी आधा रह जाए तो सुबह शाम दिन में 2 बार
पीने से काफी हद तक लाभ मिलेगा। छाछ आपको दिन में 3 से 4 बार डेली पीना चाहिए। फिटकरी बहुत अच्छा जीवाणु नाशक होता है। फिटकरी के पानी से योनि को धोना चाहिए क्योंकि योनि की साफ सफाई बहुत ही आवश्यक है। मांस, मछली और मसालेदार चीजों से परहेज करें। भोजन में हरे पत्तेदार सब्जियों और फलों का अधिक मात्रा में प्रयोग करें। माजू फल का चूर्ण 50 ग्राम और टंकड़ क्षार का चूर्ण 25 ग्राम इन दोनों को आपस में बराबर मात्रा में मिला लें और इसकी 50 पुड़िया बना लें। सुबह शाम एक एक पुड़िया हनी के साथ लेने से श्वेत पत्र रोग लगभग समाप्त हो जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि शिलाजीत में अनेक सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए शिलाजीत का सेवन दूध के साथ करना चाहिए, इससे काफी हद तक आराम होता है। सिंघाड़े के आटे का हलवा श्वेत पत्र रोग में काफी हद तक लाभकारी है। त्रिभंग भस्म एक एक रत्ती सुबह शाम पानी के साथ लेने से भी आपको काफी हद तक आराम होगा। बड़ के पत्तों का दूध मिश्री के साथ लें और ऊपर से गाय का दूध पीने से काफी हद तक आराम मिलेगा। सूखे सिंघाड़े को रात में पानी में भिगो दें। सुबह इसमें मिश्री मिलाकर गाय के दूध के साथ खाली पेट सेवन करें, काफी आराम मिलेगा। आज के बताए हुए घरेलू नुस्खों से न केवल आपका प्रदर रोग दूर होगा बल्कि आप घर बैठे बिना किसी संकोच के अपना इलाज भी कर सकते। और आज हम आपको बताएंगे कैसे सफेद होते हुए बालों को घरेलू उपाय के द्वारा काला किया जाए। समय के साथ साथ बालों का सफेद होना एक आम बात है जिसे हम और आप नहीं रोक सकते, लेकिन आजकल दूसरे कारणों से भी बाल सफेद होते हैं। आजकल हमारा रहन सहन, पर्यावरण, खान पान और दिनचर्या किशोरावस्था से ही बालों को सफेद करने लगे हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन से वो घरेलू उपचार हैं जिनसे हम घर बैठे ही अपने बालों को सफेद होने से रोक सकते हैं। आधे कप दही में चुटकी भर काला नमक मिलाकर उसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं और अपने बालों में लगाएं और इसे 15 मिनट बाद धो लें। आप देखेंगे कि आपके सफेद होते हुए बाल काले होने लगेंगे। बेसन मिले दूध या दही से बालों को धोएं, काफी हद तक फायदा दिखेगा। आंवले का रस या तेल से मालिश करें सर पे, या सूखे आंवले को नारियल के तेल में डालकर उबालें तब तक जब तक कि आंवला काला ना हो जाए। फिर इस तेल को रात में सोने के पहले लगा लें और सुबह उठकर धो लें। ऐसे सप्ताह में 2 बार करें। 1 बड़ा चम्मच आंवले का गूदा लेकर उसमें 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस मिलाएं और रात को सोने से पहले बालों पर लगा लें। सुबह उठकर धो लें, आपके सफ़ेद होते बाल काले हो जाएंगे। 1 मुट्ठी करी के पत्ते को नारियल के तेल में मिलाकर उबालें और जब तक ये पत्ते काले ना हो जाएं तब तक इसे उबालते रहें। उबालने के बाद इसे छान लें और इस तेल का यूज़ करें। इस तेल को बालों में 35 से 40 मिनट तक मसाज करें और फिर धो लें। ऐसा सप्ताह में 1 से 2 बार करें, आपको फर्क ज़रूर दिखेगा। इसी तरह हिना के पत्तों को भी नारियल के तेल या सरसों के तेल में उबाल सकते हैं जब तक कि पत्ते जल ना जाएं और फिर इस तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। नारियल के तेल में 3 छोटे चम्मच नींबू का रस मिलाकर बालों को मसाज करें, 1 घंटे बाद धो लें। ऐसा रोजाना करने से बाल काले होते हैं। बालों की जड़ों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अधिक बनने के कारण हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं। एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि प्याज के रस को अगर हम अपने बालों की जड़ों में 1.5 से 1 घंटे तक मसाज करते हैं और फिर धो लेते हैं तो इससे भी हमारे बाल काले होने लगते हैं कुछ ही सप्ताह के अंदर। 2 छोटी चम्मच काली चाय की पत्ती को 1 कप पानी में बॉईल करें और फिर इसमें 1 छोटा चम्मच नमक मिला लें। इस पानी से बालों को धोएं और 20-25 मिनट बाद ठंडे पानी से धोएं। शैम्पू ना करें। सप्ताह में 1-2 बार करने से आप देखेंगे आपके बाल काले हो जाएंगे। सबसे पहले आप अपने बालों को शैम्पू कर लें, उसके बाद चौलई के साग का रस अपने बालों की जड़ों में लगाएं और मसाज करें और कुछ देर तक रहने दें। थोड़ी देर बाद इसे धो लें। आप देखेंगे कि आपके बालों का नेचुरल कलर वापस आ जाएगा और आपके बाल समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होंगे। रोज़ाना 1 चम्मच काले तिल का सेवन करें और साथ ही साथ तिल के तेल का प्रयोग अपने बालों में करें। चाइनीज मेडिसिन में काले तिल का प्रयोग बालों के लिए काफ़ी लाभकारी बताया गया है।
तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप इन छोटे छोटे घरेलू नुस्खे जरूर अपनाएंगे और अपने कमेंट्स भी हमें देंगे। तो इसी के साथ ही सफेद बालों को काला कैसे करें इस विषय पर बनाए स्पेशल वीडियो यही समाप्त होता है। इसी तरह के और भी घरेलू नुस्खे जानने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और आज मैं आपको बताऊंगी गुड़ के क्या क्या फायदे हैं और साथ ही साथ गुड़ को अलग अलग तरह के नुस्खों के तौर पर कैसे प्रयोग किया जा सकता है। गुड़ प्राकृतिक तरीके से ताजे गन्ने के रस से बनाया जाता है और गन्ने की फसल सर्दियों में होती है, इसलिए गुड़ को सर्दियों में बनाया जाता है और इसे 12 महीने खाया और खिलाया जा सकता है।